पंचायत क्षेत्रों में हो रहे निर्माण के कार्यों में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, मगर ग्रामीणों के बार बार शिकायत करने के बाद भी इनकी समस्याओं का निराकरण करने के बजाय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा इनको आश्वासन मात्र ही दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। शहर से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत अमलीडीह के आश्रित गांव गजियानवा गांव के लोग इन दिनों सरकारी दफ्तरों की चक्कर लगाने में लगे हुए हैं। दरअसल गांव में सरपंच के द्वारा नाली निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें नाली निर्माण का कार्य पूरा भी नहीं हुआ और बन रहे नाली की दीवारें गिरने लगी है। इस बाबत गांव के आम जनता व पंच जिला पंचायत जनपद पंचायत व कलेक्ट्रेट ऑफिस तथा जन समाधान शिविर कंतेली व बुंदेली में दो दो बार शिकायत कर चुके हैं, परंतु इसके बाद भी अधिकारियों के द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। केवल अधिकारियों द्वारा आश्वासन मात्र दिया जा रहा है। गांव के लोगों का आरोप है कि सरपंच द्वारा अपनी मनमानी करते नाली निर्माण के लिए खुदाई मजदूरों से करवाने के बजाय जेसीबी मशीन से करवाया जा रहा है, जिससे मनरेगा के अंतर्गत आने वाले लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, तथा पंचों का कहना है कि सरपंच के द्वारा एक भी बैठक नहीं बुलाई जाती, अगर जब कभी बैठक बुला भी ली जाती है तो बिना बैठक हुए 2 से 3 माह पहले रजिस्टर पर सिग्नेचर करवा लिया जाता है। नाली बनत है, इतना खराब बनत है कि काम चलते है अभी और नाली क्रैक क्रैक हो जाते हैं, और रेती डालत है तो एकदम खराब रेतीला, और बेस भी डालत है तो एकदम कोई दम नहीं है बेस में। बोले हैं सरपंच ला तो वो का कर ली, हमारे कलेक्टर का करी कि सीओ मैडम का करी, सब ला बांध के रख दे वो ऐसे उसे बोलते, ना ही मीटिंग कराए, मीटिंग करते भी तो एडवांस में दस्तखत करवा लेते हैं, शिकायत करें बुंदेली के रहें सीओ मैडम ने डायरेक्टली दे देन, सीओ मैडम नीचे में जाओ पावती ले लो वैसे की दिस, तो पावती ले कर आ गए, ओकर बाद कलेक्टर साहब ला देहन और जिला पंचायत में देहन, SDM साहब ला देहन, ओकर बाद अभी भी कार्य चालू है, कोई कार्यवाही नहीं होते। नाली जो बना थे, नालीकरण हो रहा है अपने यहाँ, और तो वहाँ जाकर दिए थे बुंदेली में अपने सीओ मैडम को, तो उसके बाद पावती ले लो करके दे दिए, बाकी उस पर कोई कार्रवाई किया नहीं जा रहा है। और यहाँ कलेक्टर यहाँ भी गए थे, वहाँ पर दिए, जनपद में दिए तो दिए हैं, जिला में दिए, SDM यहाँ दिए, बाकी कार्रवाई के नज़र से कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ नाली जो बन रहा है वो घटिया स्तर में है, या तो वह फटने जा रहा है, दूसरी बात वो नाली जो हुआ है JCB के द्वारा खनाया गया है, और मात्रा जो है सीमेंट का कम मात्रा में उपयोग, बेस भी कम डल रहा है, डम ब्रेस तो नहीं के बराबर है। हमारे गांव के समस्या बहुत रद्दी है, नाली फली ढंग से बन भी नहीं करते, अपन मन मौजूद से पंच सरपंच बना रहे हैं, चार धमेला रेती चलत थे, दो धमेला रेती डालत थे, सीमेंट डालत था, कोई मटेरियल पूरे ढंग से बन भी नहीं करते, तो कहते तो अपन हमारे बात लो मान ही का आ कही देते सरपंच अपन बना रहे हैं, तुम भूखते रहो, कुत्ता तो हो, हम कुत्ता भैया का पर भूखी हमारे। चुनावी साल होने की वजह से जिले के जनप्रतिनिधि जन आशीर्वाद यात्रा के तहत प्रत्येक गांव में घूमकर आम नागरिकों के घर घर पहुंच रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद स्वरूप वोट मांगने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके द्वारा चुनकर ये कुर्सी पाते हैं उनकी समस्याएं उनकी नजर में नहीं आती। इनके द्वारा लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए जन समस्या निवारण शिविर तो लगाया गया, लेकिन ये शिविर सिर्फ छल साबित हो रहे हैं। गजियानवा गांव के नाली निर्माण कार्य में हो रही गड़बड़ी और ग्रामवासियों की बार बार शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं होना कुछ तो गड़बड़ है दया कहने पर मजबूर कर रही है। मुगेली से वीरेंद्र बांधड़े के साथ विनय राज की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।